अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाजर कुलच बना रहे हैं। ये रेसिपी बहुत इजी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाजर गोश्त बना रहे हैं। गाजर गोश्त बनाने के लिए हमने तकरीबन 600-700 ग्राम गाजर लिए। 3 पाव गाजर लेंगे कट करने के बाद, ये हमारी बची है। और तकरीबन 1 पाव गोश्त है, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितना आप इस्तेमाल करें। 3 टमाटर हैं दरमियानी साइज़ के, 2 हिस्सों में कट कर लिया है। 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 से सवा टीस्पून नमक है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। तकरीबन 1 टीस्पून भर के अदरक है पिसी हुई। 2 टीस्पून पिसे हुए अगर यूज़ करें तो लहसुन है, वरना 3 बड़े चमचे हैं लहसुन के। 1.5 टीस्पून पिसा धनिया है। 1/2 टीस्पून से कम हल्दी है। 1/2 कप से कम ऑयल है। ये तमाम चीज़ें हम एक साथ चढ़ा देंगे और जब ये तैयार हो जाएगा तो हम इसको इसके अंदर अदरक बारीक काट कर और हरा धनिया बारीक काट कर और हरी मिर्च बारीक काट कर इसमें डालेंगे। हरी मिर्च और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। अब स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देंगे। ऑयल इसके अंदर, गाजर मोटी मोटी कटी हुई, उसके बाद गोश्त और टमाटर, और प्याज बहुत छोटी की हमने, अगर आप दरमियान साइज़ के लें तो आधी लें, ज़्यादा प्याज नहीं डालें क्योंकि गाजर भी मीठी होती है और प्याज भी, बहुत ज़्यादा फिर मीठा हो जाएगा, प्याज बहुत ज़्यादा नहीं लें। अब बस इसमें गोश्त गलाने के लिए हम पानी डालेंगे, इतना कि जिससे गोश्त गल जाए। अब हम इसको गोश्त गलने तक पकाएंगे। सालन पकते हुए काफ़ी देर हो गई है, अब हम इसका टमाटर का छिलका उतार देंगे। गोश्त हमारा गल चुका है, तकरीबन 40 से 50 मिनट हमने इसको पकाया। अब हम इसमें से गाजर से गोश्त को अलग कर लेंगे, अलग प्लेट में निकाल लेंगे और गाजर को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। गाजर और टमाटर को अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया बिल्कुल, और गोश्त हमने अलग से निकाल लिया था। अब हम वापस इसको गोश्त में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल आने का वेट करेंगे, उसके बाद हमने ये हरा धनिया अदरक हरी मिर्च काट कर रखा, ये हम इसमें डाल देंगे और दम दे देंगे। तैयार है गाजर गोश्त। देखिए पानी बिल्कुल फ्रेश हो गया, ऑयल आ गया, अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया अदरक और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक देंगे, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। गाजर गोश्त तैयार है बिल्कुल। गाजर गोश्त बिल्कुल तैयार है, आप भी ट्राई करें।